हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा चावल, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टमाटर, 2 प्याज और 1 लहसुन की पूरी कली। तो यहाँ पे ना इन सबको मैंने ग्राइंड कर दिया और यहाँ पे जो मेरी दाल है वो भी उबल गई है। बहुत ही इजी तरीका है ये राजमा चावल बनाने का। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ प्याज कट करना है, टमाटर और लहसुन छीलना है और हरी मिर्ची, तो उन सबको आपको एक ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर देना है। और यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें जीरा भी डाल दिया, खड़े मसाले जो भी आपके पास है वो सब आप डाल दीजिए। और उसके बाद जो हमने इसमें पेस्ट बनाया है ना वो हम इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो। पहले इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये यहाँ पे डाल दिया इसमें। पेस्ट यहाँ पे डल गया है। अब हम ना इस पेस्ट में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको ढक्कन लगा के रख देंगे धीमी आंच पे। तो जब ये अच्छे से पक जाएगा ना उसके बाद हम इसमें डालेंगे और मसाले। नमक डालने से ये होता है कि थोड़ा जल्दी पक जाता है मसाला। तो या तो आप एक ही बार में पूरा नमक डाल दें, आधा पहले और आधा बाद में डालने से ये होता है ना कि हम भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने सारा नमक जो है वो पहले ही ऐड कर दिया। और अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी ढक्कन और कम आंच करके साइड में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब ये पूरा पक जाएगा उसके बाद इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे। और तब तक साथ के साथ जो चावल है ना मैं उनको तैयार कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ जीरा राइस और राजमा। तो जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कटोरी राइस। तो इनको अच्छे से धो लेंगे और फिर उसके बाद बनाएंगे जीरा राइस। तो यहाँ पे चावल धो के मैंने 5 मिनट तक मैंने उनको भिगाने के लिए रखा। और यहाँ पे फिर मैंने घी डाला कुकर में और अब इसमें डालेंगे जीरा और थोड़े से खड़े मसाले जो भी आपके पास हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगी जीरा। अब उसके बाद इसमें डालेंगे तेज पत्ता और थोड़े से तेज पत्ता का टुकड़ा लकड़ी वाला। और फिर इसमें डालेंगे, अगर आपके पास लौंग है, हींग भी डाल सकते हैं, लौंग हो गया, काली मिर्ची हो गई। लेकिन इतने मसाले ना आजकल, अभी सर्दियों में बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन आजकल अभी इतना मसाले की जरूरत पड़ती नहीं है। तो इसमें एक डाला है स्टार वाला मसाला होता है ना जो वो, और स्टार वाला जो मसाला होता है ना उससे बहुत ही ज्यादा खुशबू आती है। उसको वैसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट हाँ जो स्टार की तरह दिखने में होता है ना वो वाला मसाला। तो यहाँ पे सारे मसाले डल गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो चावल डालेंगे और चावल को थोड़ी देर फ्राई करेंगे घी में। इसको ना हम ऐसे फ्राई करेंगे कि ताकि चावल जो है वो हमारे टूटे नहीं, और चावल को ना ज्यादा देर भिगाना नहीं है। अगर आप ज्यादा देर भिगा देंगे तो चावल टूटने लगेंगे, इसलिए चावल को बस 2 या 3 मिनट तक ही भिगाने के लिए रखना है, ज्यादा देर नहीं रखना है। तो यहाँ पे अब हम चावल को अच्छे से फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपको जितने आपके पास चावल हैं, जो वाले चावल हैं, कभी अलग वाले चावल होते हैं, ये बासमती राइस है तो राइस के हिसाब से हमें चावल में जो है वो मतलब पानी डालना पड़ता है। तो यहाँ पे जितने राइस हैं उसके अकॉर्डिंग में थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसके बाद 2 सीटी में हमारे चावल जो है वो बन जाएंगे। तो अभी चावल पहले थोड़ा देर फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, और चावल को ना ऐसे घुमाना है ताकि चावल टूटे नहीं। और आप इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं ताकि आपके चावल और भी खिले खिले बने। वैसे तो घी में बन जाते हैं खिले खिले, बट फिर भी वो चिपकते नहीं है, फिर बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं अगर आप इसमें नींबू भी डाल दोगे तो। तो बहुत ही टेस्टी राजमा चावल आज जो है वो बन के तैयार हुआ था। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही इजी है। जीरा राइस बनाना भी आपने देख ही लिया। तो इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है, अब हम इसमें लगाएंगे ढक्कन और 2 सीटी आने तक इसको पकने देंगे। तो ये देखो गाइस, मैंने बस थोड़ा सा ही पानी लिया है, मैं आपको पानी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इसमें लगा देंगे ढक्कन और तब तक जो हमारे मसाले है ना साइड में वो भी पक के तैयार हो गए, ये देखो। तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया। नमक तो पहले ही डाल दिया था, यही याद रखना होता है इसमें। अगर आप नमक पहले डाल दो ना तो आपको याद रखना पड़ता है कि आपने नमक पहले डाल दिया है। कई बार ये होता है ना कि हम भूल जाते हैं। इसमें धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सब कुछ मैं डाल रही हूँ। तो मिर्ची हम लोग कम ही यूज करते हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार और अपनी क्वांटिटी के अनुसार इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ी देर और चलाएंगे और उसके बाद फिर से इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब कढ़ाई जो है ना मसाला छोड़ देगी, मसाला तेल छोड़ देंगे या कढ़ाई पे मसाला चिपकना बंद हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ना बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है कढ़ाई पे मसाला। तो अब इसमें डाल देंगे दाल।
तो ये जो राजमा दाल है, ये लाल वाली राजमा है, इसमें मैंने थोड़े से दाल को गाढ़ा करने के लिए इसमें डाला है उड़द की दाल। तो ये एक जैसे मखान क्या बोलते हैं, दाल मखानी बोलते हैं ना, वैसे टाइप का। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी सी राजमा चावल जो है बनके तैयार हो गए। ये देखो गाइस, देख लो, लग रहा है ना बहुत ज्यादा टेम्पटिंग। तो यहाँ पे अब हम इसको थोड़ी देर चलाएंगे और उसके बाद ढक के रख देंगे। जब इसमें अच्छे से ये उबल जाएगी फिर उसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप इसके ऊपर हरा धनिया भी स्प्रेड कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था। तो यहाँ पे ये देखो अच्छे से दाल जो है वो उबल चुकी है। अब हम प्लेट लगाएंगे और यहाँ पे जो साथ के साथ हमारे चावल थे ना वो भी बहुत अच्छे से बन के आए हैं। तो ये देखो, और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको, आ रही है ये देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी इससे। बहुत ही अच्छे बने हुए थे चावल भी, दाल भी रेडी है, चावल भी रेडी है। तो अब हम खा लेते हैं दाल चावल, क्यों यानू। तो यहाँ पे चावल बन गए हैं, अब हम प्लेट लगा लेते हैं। और आज यानी खाएगा, खाना खाएगा। हाँ तो गाइस यहाँ पे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिए मैंने एक प्लेट, तो अब इसमें डालेंगे चावल, उसके बाद दाल, थोड़ा सा रायता भी मैंने बनाया है, दही और खीरे का रायता। तो किस किस को पसंद है दही और खीरे का रायता, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप इसमें दाल ऐड करेंगे। और गाइस अगर आपको पसंद आया हो आज का रेसिपी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और लाइक तो बनता ही है, एक बहुत मेहनत करी है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो दाल चावल है वो बहुत ही टेस्टी यम्मी सा लग रहा है। तो आइए और आप भी खा लीजिए आज का दाल चावल जो है राजमा चावल। तो ये देखो गाइस यहाँ पे हमारी जो थाली है वो रेडी हो गई। तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। सो गाइस अब हम जाते हैं खाना खाने के लिए, और किस किस को देख के भूख लग रही है और भी ज्यादा इतना अच्छा खाना देख के। तो अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।